गुड मॉर्निंग। देखो, अपन देख रहे थे प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में अपन ने पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद में फाइलम देखे, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, प्लेटेहेलमिंथीज है। आज अपन फाइलम देखेंगे एस्केहेलमिंथीज। ठीक है, तो फाइलम कौन सा देखेंगे अपन? एस्केहेलमिंथीज। अब इसके बेसिक करेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। जैसे मान लो ये कोई एनिमल है, ठीक है, इसको अपन ने कट किया, तो कट करने पे इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है उसमें ये कैसे दिखेंगे? राउंड दिखेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन? राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। जो एस्केहेलमिंथीज है उनका दूसरा नाम क्या है आपका? सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म। इनको क्या बोलते हैं अपन? राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा करेक्टर, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब आराम से ऐसे कहीं भी घूमते रहेंगे, वाटर में रह सकते हैं। फ्री लिविंग एक्विटिक, एक्विटिक का मतलब है वाटर में रहेंगे। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या होगा? लैंड पे रहेंगे। टेरिस्ट्रियल का मतलब लैंड पे रहने वाले, एक्विटिक का मतलब होता है आपके वाटर में सर्वाइव। और कुछ कैसे होंगे? पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट इन नेचर, कुछ क्या करेंगे? पैरासाइट भी होंगे, मतलब किसी दूसरे की बॉडी पे ये क्या करेंगे? आपके सर्वाइव करेंगे। तो जो फाइलम एस्केहेलमिंथीज है उनको अगर देखा, तो अगर उनका क्रॉस सेक्शन कट करें तो वो राउंड दिखते हैं, इसलिए इनको राउंड वर्म भी बोलते हैं। फ्री लिविंग आ सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, लैंड में मिल सकते हैं, और पैरासाइट नेचर के भी होते हैं। कौन आपके? एस्केहेलमिंथीज। अगला करेक्टर देखते हैं, इनमें क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी बॉडी में सेल्स भी होंगे, टिश्यू भी होंगे, ऑर्गन भी होंगे, और क्या होंगे आपके? सिस्टम भी प्रेजेंट होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल कैसे होंगे आपके? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। इसके अलावा कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल का मतलब एनिमल को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में एक पर्टिकुलर एक्सिस से काट सकते हो। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। अगला है, ये कैसे होंगे? श्यूडोसिलोम होंगे। ये कैसे होते हैं? श्यूडोसिलोम, श्यूडो सिलोमेटा मतलब इनमें जो केविटी होगी, बॉडी केविटी होगी, वो पाउच पाउच में कन्वर्ट हो जाएगी। जो मेसोडर्म होगी वो स्केटर्ड होके पाउच में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? श्यूडोसिलोमेट। एक सिंगल एग्जाम्पल है, जो एस्केहेलमिंथीज के एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं आपके? श्यूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैसे होंगे आपके? एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होंगे। एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट, बॉडी पे क्या होगा? कोई पोर नुमा स्ट्रक्चर होगी जिससे ये एक्सक्रेशन करेंगे, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा सेक्स आर सेपरेट, बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड यूज आता है, सेक्स आर सेपरेट। सेक्स सेपरेट होते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज कर किया जाता है, डायोसियस। अगर डायोसियस वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? सेक्स आर क्या आपके? सेपरेट है, इसलिए इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है डायोसिस। मेल और फीमेल क्या होंगे आपके? अलग अलग होंगे। इसके अलावा देखो, एक डायग्राम दिखा रही हूँ मैं आपको, नीचे ये देखिए,
जो ये लॉन्ग साइज की है वो फीमेल है और जो शॉर्ट साइज का वो मेल है। तो इस फाइलम में क्या होता है, जो मेल और फीमेल है उसको आप बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो फीमेल होती है उसका साइज कंपेयर टू मेल क्या होता है, आपका लॉन्ग होता है। ये स्पेसिफिक करेक्टर था। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा। डेवलपमेंट कैसा हो सकता है, डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, मतलब लार्वा स्टेज आपकी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। डेवलपमेंट डायरेक्ट का मतलब लार्वा स्टेज आर प्रेजेंट। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा आपका, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपके, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपन, इस फाइलम के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है आपका एस्केरिस। एस्केरिस इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। देखो अब जो एस्केरिस है ये पैरासाइटिक नेचर का होता है और ये एक बीमारी करता है, एक डिजीज कॉज करता है जिसको क्या बोलते हैं, एस्केरियासिस। और ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इफेक्टेड करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, ये आपका इफेक्टेड करेगा। ये वाली डिजीज़ वगैरह है वो आपके अपन पढ़ चुके हैं ये 12th क्लास में। आप किसी को अगर पढ़ना है 11th वालों को एक्स्ट्रा, तो वो ये 12th वाले टॉपिक में जाके पढ़ लेना, ह्यूमन डिजीज़ एंड हेल्थ वाले टॉपिक में पढ़ाया। तो एस्केरिस को राउंड वर्म बोलते हैं, इससे बीमारी होती है एस्केरियासिस। इसके अलावा एक होता है वुचेरिया, ये भी आपकी बीमारी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है वुचेरिया बैंक्रोफटाई, वुचेरिया इसको फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, फाइलेरिया वॉर्म। ये एक बीमारी करता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो आपके लिम्फ नोड होते हैं ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर अपना जो माउथ वाला पार्ट है वहाँ पे जो टॉन्सिल्स होते हैं उनकी एक रिंग प्रेजेंट होती है। अपनी बॉडी में एक सिस्टम होता है लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वैसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जो वुचेरिया है वो क्या करता है, आपके जो लिम्फ वाला पोर्शन होता है उसको इफेक्टेड करता है। इसको फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं, ये एक डिजीज़ का नाम है जिससे फाइलेरियासिस हो जाता है। और आपका जो पैर वाला पोर्शन है, लिम्फ नोड वाला स्कोटम सैक है, जो मेल होता है उसका जो स्कोटम सैक होता है वो उसका जो थाइज का साइज है वो एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए इसको एलिफेंटाइटिस या फाइलेरियासिस डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं आपके, पैरासिटिक नेचर के हैं। इसके अलावा एक और होता है एनसाइक्लोस्टोमेटा। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है, एनसाइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और इसका सिंपल नेम है हुक वॉर्म, हुक वॉर्म। ये भी क्या होता है आपके, पैरासिटिक नेचर का होता है। तो ये फाइलम था आपका कौन सा, एस्के हेलमेंटीज। इसमें ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो 12th में भी काम आएगी, एस्केरिस से जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, एस्केरियासिस बीमारी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्टेड करती है। वुचेरिया जिससे फाइलेरिया वॉर्म भी बोलते हैं, इससे फाइलेरियासिस डिजीज होती है। एनसाइक्लोस्टोमेटा इसकी बॉडी पे हुक्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। जो वुचेरिया बैंक्रोफटाई है या वुचेरिया है वो आपके लिम्फ नोड को इन्फेक्टेड करता है। तो जो आपका थाइज वाला रीजन है मोस्टली मेंस में जो स्कोटम सैक है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।